हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको करनी है सरोजिनी नगर से शॉपिंग तो चलिए मेरे साथ आज हम करते हैं मिलके सरोजिनी नगर से शॉपिंग। और बहुत आने वाला है मज़ा। देखिए कितना सारा सामान लाई मैं, इतनी इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बिल्कुल सस्ते रेट में, इतनी ब्यूटीफुल जो कहीं नहीं मिलेगी। और सरोजिनी नगर की स्ट्रीट शॉपिंग की तो बात ही कुछ और है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको हर एक सामान का रेट और सारी चीज़ें पता लगेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, शॉपिंग हॉल के लिए, और देखने के लिए कि क्या चीज़ें ट्रेंडिंग हैं और क्या ट्रेंड में हैं और कौन कौन सी शॉपिंग कहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। सो स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बात करने वाली हूँ सरोजनी नगर की समर शॉपिंग की। सरोजनी नगर नाम लेते ही सबको इतना मज़ा आ जाता होगा सोच के ही कि कितना अच्छा लगता होगा वहाँ शॉपिंग करके। तो सच में अगर स्ट्रीट शॉपिंग करनी है और कहीं पे फुली इंजॉय करना है, एक एक चीज़ें देखनी है, थोड़ा टाइम लेके जाना है, तो सरोजनी नगर लाजपत नगर इज़ द बेस्ट। मैं कल गई थी सरोजनी नगर और मैंने की है ढेर सारी शॉपिंग। चाहे जितनी शॉपिंग कर लो बट स्ट्रीट शॉपिंग से शायद कोई गर्ल्स होंगी जिनको शॉपिंग करने से कभी मन भरता होगा। तो मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जिसको शॉपिंग का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ है। और मुझे मॉल से ज़्यादा मज़ा आता है स्ट्रीट शॉपिंग करने में, क्योंकि वहाँ के प्राइसेस, वहाँ पे जो भी मॉल के तो रेट सुन के फिर ये लगता है कि क्या लो या क्या नहीं लो, इतनी सिलेक्टेड आप चीज़ें ले सकते हो। बट जैसे ही बात आती है सरोजनी नगर या लाजपत नगर या किसी भी ऐसी जगह, ऐसी मार्केट की, वो भी स्पेशली दिल्ली की बात हो, तो हर किसी को लगता है वाह कितना मज़ा आया होगा। तो कल का दिन बहुत अच्छा भी था, सैटरडे था और मैं घर से निकली 12 o'clock पे, और बाई मेट्रो। कल मैं अकेले गई, मेरे लिए ना शॉपिंग इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। पूरे हफ्ते भर की क्या महीने भर की जो थकान होती है ना शॉपिंग करने के बाद दूर हो जाती है। और मैंने बिल्कुल मजे किए शॉपिंग की, अकेले एक एक चीज़ों को देखा, क्योंकि जनरली क्या होता था मैं बच्चों के साथ जाती थी तो मैं शॉपिंग को इन्जॉय नहीं कर पाती थी, उन्हीं को संभालते रहो देखते रहो। बट कल मैं अलोन गई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं पूरा टाइम दे करके एक एक चीज़ देखी, जो भी मुझे लेना था, जो सेलेक्ट करना था, जो नहीं करना था। तो जी, सरोजनी नगर की शॉपिंग अगर आपको करनी है तो 10 रुपए से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और एंड कहाँ पर है कुछ पता नहीं। मतलब 10 रुपए से स्टार्ट होकर के कोई भी सामान, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये इयरिंग बहुत क्यूट है और मैं इसे कल सरोजनी नगर से लेकर आई हूँ, ₹30। और ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है ये भी बहुत ही प्यारी है, ब्यूटीफुल है, और इट इज़ ₹350। मतलब कई बार तो ना बिलीव नहीं होता है उसके प्राइसेस सुन करके, किसी को बताओ अगर आप रेट नहीं बताओ ना तो कोई भरोसा ही नहीं करता है कि ये इतने सस्ता भी हो सकता है और इतना अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आप दिल्ली वाले हैं तो है ही आपके लिए, कभी भी जाके ले सकते हैं। बट अगर कहीं आप दूर रहते हैं और कभी दिल्ली आएँ तो सरोजनी नगर शॉपिंग करने ज़रूर जाएँ। और सरोजनी नगर से मैं इतना सामान लाई हूँ, आई थिंक 6-7 हज़ार रुपये में मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ बिल्कुल हैप्पी होकर के, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें ली है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी वाइज भी। मतलब सरोजनी नगर ऐसे तो सुना जाता है कि बहुत सारे पुराने कपड़े भी वहाँ मिलते हैं, बट अगर आपको कपड़ों की पहचान है, चीज़ों की पहचान है, तो वो शॉप जितनी भी है वहाँ पे जो ओल्ड क्लोथ भी सेल करते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ जाइए जहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रेंडिंग आउटफिट्स मिलते हैं। जहाँ पर आप जाएंगे ना, तो जैसे समर आया है तो समर सीज़न के बेस्ट कलेक्शन, बिल्कुल न्यू अराइवल्स जो अभी ट्रेंड में होंगे, वो शॉप्स भी आपको मिलेगी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। लेदर बैग्स की शॉपिंग करनी है, हर एक शॉप बिल्कुल यूनिक है, अच्छे अच्छे सामान रखते हैं। स्पेशली बैग्स तो ऐसे लग रहे थे कि इतने सस्ते भी हो सकते हैं और इतने अच्छे कि एक भी बैग छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट इतने सारे बैग्स लेके मैं करती क्या, तो मैंने अपने को कंट्रोल किया और बहुत सोच समझ के ही शॉपिंग की, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो कुछ लेने को रहे, और बस मज़ा आ गया। तो चलिए हम सरोजनी नगर की शॉपिंग हॉल का आपको सब कुछ दिखाते हैं कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ, कितने कितने प्राइसेस में। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे मेरी शॉपिंग को। मैंने खाया सरोजनी नगर में ये गोला। सरोजनी नगर जाने वालों की इतनी भीड़ थी कल, मेट्रो से बाहर निकलने में मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। और सरोजनी नगर मार्केट में हमने एंट्री कर ली है। Thank you.
क्यूट सा इयररिंग, बहुत बिक रहा था, बहुत ट्रेंडिंग है और ये इतने सारे वैरायटी में थे, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के साथ और छोटी सी गर्ल्स के लिए तो इतना क्यूट है ना ये। और ये भी था, मुझे मिला 30 रुपीज में, बहुत प्यारी सी इयररिंग, बहुत सारे मैं नहीं लाई हूँ। और फिर जी मैंने ये लिए हैं सॉक्स और ये सॉक्स थे 100 रुपीज में 4। और ये मैंने लिया टी शर्ट अपने हस्बैंड के लिए, H&M लिखा है, अब पता नहीं ये ओरिजिनल होता है या नहीं, बट ये क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और छू के देख के इसके क्लोथ बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको ले आई। ये मिली मुझे 350 की टी शर्ट, तो मैं लाई अपने लिए एक ये श्रग। विंटर सीजन तो चला गया बट समर सीज़न आया है ना, तो समर सीज़न में देर आर सो मेनी आउटफिट्स जो स्लीवलेस होती हैं या कई बार ना हाथ पूरे काले होने लगते हैं सनलाइट में सनबर्न की वजह से, तो मुझे ये थोड़ा सा लाइट कलर का था श्रग, अच्छा लगा तो मैं ये ले आई। तो ये श्रग वो 250 का दे रहा था शॉपकीपर, बट मुझे ये 200 में दे दिया भाई फाइनली उसने। और ये मैंने लिया बैग, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बैग, मतलब देख करके जब मैं शॉप से ख़रीद के लाई और अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने इसका मिनिमम प्राइस जो है 500 लगाया। और आप थोड़ा गेस करिए कि ये बैग कितने का होगा। इसमें सिंगल जिप है, छोटा सा क्यूट सा है, बहुत ज़्यादा ना बड़ा है ना बहुत छोटा है, बट ये अच्छा स्लिंग बैग है। इसके अंदर एक स्ट्रिप भी है जो कि अभी मैंने लगाया नहीं है, लंच वाला बॉक्स रखने के लिए लंच बैग, और ये भी बहुत क्यूट है और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। तो मुझे लगता है इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मिलती है, एक इसका ये स्मॉल सा पाउच है और एक ये अंदर बड़ा जिप है जहाँ से मैं सैंडल शूज़ लाती हूँ और बहुत अच्छे निकलते हैं। अभी 4-5 साल पहले भी मैंने वहाँ से सैंडल्स लिए थे, वो अभी तक भी चल रहे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, तो वहाँ पे भी एक डिस्काउंट चल रहा था तो वहाँ पे ये मुझे सैंडल्स मिली हैं 250 की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये 250 की मेरी सैंडल है। ये स्टॉकिंग्स, एक लिया है मैंने ब्लैक और एक लिया है मैंने स्किन कलर का, ये विंटर सीजन में बहुत काम आता है तो अभी तो नहीं ज़रूरत है इसकी इतनी, बट क्योंकि जनरली बहुत दिनों बाद ही सरोजनी नगर जाना हो पाता है और वहाँ ये सही प्राइस में मिल जाते हैं, तो ये मुझे मिले हैं 120 के शायद। और वहीं सेम शॉपिंग में मैंने ये भी लिया 250 का, तो ये भी बहुत मजबूत और अच्छी है, पैरों में पहन के काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये इतना ब्यूटीफुल प्यूमा फरारी का लोगो वाला शू है, इट्स अ ब्लैक शू और इट इज जस्ट रुपीज 350। और ये रही गर्ल्स की स्पेशल शॉपिंग, ये रबर बैंड इतना क्यूट है एंड इट इज जस्ट रुपीज 10, ये मुझे 10 रुपये में मिला है एक। तो ये क्लच था 100 रुपीज, ये भी क्लच है 100 रुपीज, क्योंकि ये ब्रांडेड है, दिखने में तो ब्यूटीफुल है ही और शायद ये ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इसमें कोई बार्गिन नहीं किया, एक फिक्स प्राइस थी शॉप 100 रुपीज़ में दे रहे थे, 50 रुपीज़ की ये 3 क्लचेस हैं। बच्चों को लाइट वाले शूज़ बहुत पसंद आते हैं तो मैंने अपने ट्विन्स के लिए लिए ये लाइट वाले शूज़, बहुत क्यूट है और ये मुझे मिले 550 में। ये थी नज़रिया जो कि पैरों में एंकलेट की तरह पहनते हैं, कुछ लोग हाथों में पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, और ये भी सिर्फ 20 रुपीज़ ईच मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये क्लच है ₹100 का और ये पर्स है बहुत ही ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्रांडेड लुक वाला है बैग, और ये है सिर्फ और सिर्फ ₹300 का।